नमस्कार, ट्राई सिटी का खबरनामा के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अर्थप्रकाश टीवी पर रोजाना हम आपसे बात करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों की कुछ खबरों के बारे में। इसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है तो वो जानकारी भी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम शुरुआत करते हैं, आज जो कुछ संसद के सत्र में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि कल जब 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया उस वक्त काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन 3 कानूनों को लेकर एक बार फिर से बहस करवाने की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसको स्वीकार नहीं किया, स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके बाद काफी घमासान हुआ। राज्यसभा में तो 12 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा, लोकसभा में भी काफी हंगामा हुआ। आज भी स्थिति लगभग इसी तरह की ही बनी रही। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कोशिश की कि जो 12 सदस्य सस्पेंड किए गए हैं उनको वापस लिया जा सके। उन्होंने सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ इस सिलसिले में मुलाकात भी की, लेकिन सभापति ने इसमें किसी तरह का कोई कंसेशन देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक ये सांसद अपने व्यवहार के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं इनकी सस्पेंशन को रिवोक नहीं किया जाएगा, इनके निलंबन को समाप्त नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से ये निलंबन जारी रहा। दूसरी ओर लोकसभा में आज एक बार फिर से विपक्ष ने मांग की कि कृषि कानून जिनको वापस ले लिया गया है इनके विषय में एक बार फिर से बहस की जाए, क्या कारण रहे, किस वजह से इनको वापस लेना पड़ा, सरकार की चूक कहां पर हुई और जो बाकी मांगे किसानों की बची हुई है उस पर सरकार का क्या रवैया है। लेकिन इस की अनुमति एक बार फिर से आज नहीं दी गई, तो जिसके बाद विपक्ष ने लोकसभा से भी आज बहिष्कार किया। उसके बाद आज जो सदन की कार्रवाई थी वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये फिलहाल जो जानकारी हमें संसद में जो इस समय सत्र चल रहा है शरद ऋतु सत्र उसकी जो जानकारी हमें मिली है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और उसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में जैसा कि आपको मालूम है कि नगर निगम के इलेक्शंस बिल्कुल अब नजदीक आ चुके हैं, नॉमिनेशंस भरने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 4 दिन का समय बाकी है नॉमिनेशंस पूरे होने में, समाप्त होने में, लेकिन जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी तरफ से तो अभी तक नाम तक भी घोषित नहीं किए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कल देर रात पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उन्होंने कर दिया। 9 उम्मीदवार अभी भी उनके बाकी हैं। उनके बारे में हम आपको जानकारी दे दें जिनके नाम दिए गए हैं, जिनमें वार्ड नंबर 1 से जसविंदर कौर का नाम है, वार्ड नंबर 2 से सुखराज संधू है, वार्ड नंबर 4 से सुमन अमित शर्मा है, वार्ड नंबर 5 से अमनप्रीत कौशल है, वार्ड नंबर 7 से सतीश कुमार है, वार्ड नंबर 9 से वंदना यादव, वार्ड नंबर 10 से अवतार कौर, वार्ड नंबर 11 से ओंकार सिंह औलख, वार्ड नंबर 12 से संदीप दहिया, वार्ड नंबर 14 से कुलदीप कुकी, वार्ड नंबर 15 से रामचंद्र यादव, वार्ड नंबर 16 से पूनम कुमारी, वार्ड नंबर 18 से तरुणा मेहता, वार्ड नंबर 19 से नेहा मुशावत और वार्ड नंबर 20 से राजेश चौधरी और वार्ड नंबर 21 से जसवीर सिंह लाडी, 22 से अंजू कतियाल, 23 से प्रेमलता, 25 से योगेश ढींगरा, 26 से कुलदीप दलोहर, 28 से गीता देवी, 30 से विक्रम पुधीर, 31 से लखविंदर सिंह गिल्लू, 32 से साहिल मक्कड़, 34 से हरजिंदर सिंह बाबा और 35 से संदीप भारद्वाज के नाम जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टी जिसने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं वो श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल ने अब तक 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 9 के उन्होंने नाम पहले घोषित किए थे, 4 के अभी हाल ही में 2 दिन पहले उनके नाम घोषित किए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात कांग्रेस और बीजेपी की करें तो वहां पर चूंकि बड़ी पार्टियां हैं आपस में
काफी टकराव हैं आपस में, टिकटों के लिए दावेदारियां भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो खबरें हमें मिल रही हैं वो उससे लग रहा है कि आपस में मनमुटाव की स्थिति भी बनी हुई है। खासतौर पर कांग्रेस में कहा जा रहा है कि सुभाष चावला काफी नाराज हैं अपने पवन बंसल के साथ, शायद उनका मनमुटाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं लिस्ट को लेकर अभी भी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसपे पवन बंसल भी हैं, सुभाष चावला भी हैं और भी नेता उसपे शामिल हैं, लेकिन कब तक वो ऐलान करेंगे नामों का ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि शायद 2 तारीख तक, परसों जैसे हम कह सकते हैं, शायद कांग्रेस की तरफ से कुछ नाम आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज चंडीगढ़ में नहीं थे, अरुण सूद और कुछ और बड़े नेता आज दिल्ली गए हुए थे, और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि लिस्ट फाइनल करने के लिए आज ये अंतिम बैठक उनकी दिल्ली में संगठन महामंत्री के साथ और अन्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ होनी है, और आज देर रात को कहा जा सकता है कि शायद भाजपा, या कल शायद उम्मीद करते हैं कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर सकती है। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ में समय नगर निगम के लिए गतिविधियां तेज हो रही हैं, लेकिन सही मायने में गतिविधियां तभी तेज होंगी जब कैंडिडेट्स को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं हम कोरोना की स्थिति की। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में भी है, चंडीगढ़ में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और वो हालांकि बाकी लोग भी 8 केस और भी आए हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसकी वजह से स्थिति जो थी वो काफी डरावनी से बनने लगी थी। वो इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका से आया था, 36 का ये रहने वाला व्यक्ति है, 39 साल का। जब भारत में इनकी फ्लाइट लैंड हुई तो जहां वहां जो टेस्ट हुआ उसमें वो टेस्ट इनका नेगेटिव था, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक दोबारा फिर जब टेस्ट करना होता है तो वो जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव मिला। हालांकि जो ओमिक्रॉन जिस वेरिएंट की बात की जा रही है, जो कि साउथ अफ्रीका से नया वेरिएंट आ रहा है और जिसकी वजह से काफी दहशत का माहौल एक बार फिर से बन रहा है, वो इस व्यक्ति को है या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए आगे जांच होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही ये तय होगा कि ये वेरिएंट कौन सा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी स्थिति जो है वो काफी इस मामले में सावधान रहने वाली है। हालांकि पीजीआई की जो वैक्सीनेशन की जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मिनी पी सिंह, उनका कहना है कि वैसे तो ओमिक्रॉन का कोई मामला भारत में है नहीं, अगर इस तरह का कोई मामला आता भी है तो जो वैक्सीन है वो उसके खिलाफ भी काम करेगी, वैक्सीन जो है उसके खिलाफ निष्प्रभावी होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन आप करवाते रहिए, और इसके साथ साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना भी बड़ा जरूरी है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं नवजोत सिद्धू के आज के लुधियाना के कार्यक्रम की। नवजोत सिद्धू ने आज लुधियाना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वहां के नेताओं के साथ बैठक की, और जिस तरह की नवजोत सिद्धू हर बैठक में कुछ ना कुछ नई बात कहने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी के ऊपर नया हमला बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस बार उनके निशाने पर शिरोमणी अकाली दल था। उनका कहना था कि 2015 में जो इन्वेस्टमेंट समिट मोहाली में करवाई गई थी उसमें शिरोमणी अकाली दल ने उस समिट के बाद दावा किया था कि प्रदेश में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश आएगा, और उसमें करीब 391 एमओयूज साइन किए गए थे। लेकिन आज 6 साल के बाद अगर हम पलट कर देखें जो नवजोत सिद्धू का कहना है, स्थिति यह है कि मात्र 46 जो है वो एमओयू साइन हुए और करीब 6,650 करोड़ का निवेश ही पंजाब में हुआ, यानी कि जो प्रोजेक्ट किया गया था उसका सिर्फ 5%। तो कुल मिलाकर उनका यह कहना है कि उस वक्त सिर्फ लिफाफेबाजी और हवाबाजी वो सरकार किया करती थी, और धरातल पर जो बातें थी जो होनी चाहिए वो नहीं होती थी। ठीक है, बयानबाजी लंबी चौड़ी जरूर होती थी, बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन असल में वो जमीन पर नजर नहीं आते थे। और उनका ये भी कहना है कि
कांग्रेस अपना खास मॉडल लेकर आ रही है निवेश के लिए खास तौर पर, और जल्दी ही वो उस कांग्रेस मॉडल को रिवील करेंगे, जिसके बाद पंजाब में सही मायने में निवेश होगा और बेरोजगारी की जो समस्या है उससे पंजाब को निजात मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें ट्राई सिटी का खबरनामा में। इसी तरह के एक और बुलेटिन के साथ, एक और कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इस दौरान आप अर्थ प्रकाश टीवी पर जो हमारे कार्यक्रम आते हैं उनको देखते रहिए, हमारा फेसबुक चैनल लाइक करिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, और इसके अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अब अवेलेबल हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।